हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका ऑलरेडी चल रहा है सर्कल्स। इसमें हम थ्योरम को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपके साइड में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा तो उस पर क्लिक कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इस पर आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले डिस्कस करते हैं इसको कि क्वेश्चन है आपका थ्योरम ही है, एक्चुअली थ्योरम है आपके बुक की बात करें तो 10.2 थ्योरम है। थ्योरम स्टेटमेंट है कि आपका द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं डिस्कस करते हैं अपन प्रैक्टिकली। आपको गिवन है, गिवन पार्ट में सबसे पहले क्या है कि हम डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डायग्राम बनेगा, डायग्राम आपका है एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ किया हमने, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया हमने, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, इसको पी ले लिया, इस पे टू टेंजेंट्स बोला है ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉ करने। सपोज एक ये हो गया आपका और एक टेंजेंट ये होगी, ओके, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, आप चाहो तो इसको आगे तक जाने दो, ठीक है, टेंजेंट्स होगी। अब ये आपके सेंटर है, क्लियर, इसको हमने ओ से डिनोट किया है, टू टेंजेंट जैसा आपका क्वेश्चन बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी, दिस इज टेंजेंट्स, ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना, पी ए इज इक्वल टू पी बी आपको बताना है, ओके okay? चलिए तो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे अ सर्कल सी विद सेंटर ओ रेडियस आर, इसकी रेडियस हम आर एज्यूम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, पी ए एंड पी बी, पी बी आर टेंजेंट्स, ठीक है, ओ इज द सेंटर, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब हम आ जाते हैं टू प्रूव में, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में आपका पी ए इज इक्वल टू पी बी, लेंथ पी ए इज इक्वल टू पी बी ए प्रूव करना है। अब हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे हम अपनी तरफ से, कंस्ट्रक्शन में देखिए फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन में आपको ये करना है कि पी को ओ से ज्वाइन करो, फिर ए को ओ से और बी को ओ से ज्वाइन करते हैं, सबको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, इससे क्या होगा देखिए क्या शेप मिलेगी हमें, इसको ज्वाइन करने से हमें दो ट्राइंगल्स मिलते हैं, एक ट्राइंगल मिलेगा पी ओ ए, ट्राइंगल पी ओ ए एंड सेकंड ट्राइंगल पी ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम बाईसिपिसिटी को से पी ए इज इक्वल टू पी बी, सॉरी पी ए इज इक्वल टू पी बी प्रूफ कर देंगे, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन पी ओ पी ओ ए ओ एन बी ओ, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया बी ओ, क्लियर, आगे चलते हैं, अब प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ, ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है, आगे कंटिन्यू प्रूफ में, जैसा कि मैंने कहा है इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी बी, सॉरी पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी ओ बी, ध्यान रखिएगा हम नॉमिनेट इस तरीके से कर रहे हैं तो इधर भी ऐसे करना होगा, अगर ऐसे कर रहे हैं मतलब पी ए ओ तो इधर पी बी ओ लेना, सीक्वेंस सेम रखना, ठीक है, तो फिलहाल हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी, पी ओ ए एंड पी ओ बी, ओके, देखते हैं पी, आप इसमें देखिए आप एंगल, सॉरी साइड पी ओ इज इक्वल टू साइड पी ओ, ध्यान से देखिए पी ओ इज इक्वल टू पी, दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और ये इस वाले में भी आ रहा है, ठीक है, तो पी ओ इज इक्वल टू पी ओ आप क्या लिखेंगे, बिकॉज कॉमन साइड, कॉमन साइड, क्लियर फ्रेंड्स, सेकेंड थिंग कॉमन साइड हो गया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, उसमें क्या है हमारा एंगल लेते हैं, एंगल पी ए ओ, पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, पी बी ओ, क्लियर है फ्रेंड्स, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी पी बी ओ, ओके, यहां अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस तरह लिख देता हूं, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी
बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन आप क्या लिखोगे? रीजन मैं यहां लिख देता हूं. रीजन है आपका द टेंजेंट, द टेंजेंट ऑन ए सर्कल, सर्कल इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, द टेंजेंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कोई भी एक टेंजेंट हो, ठीक है, वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से. मतलब इसको एक यू भी बोल सकते हो. इट मीन्स देयरफॉर ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी ए, और सेकेंड ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी बी. क्लियर फ्रेंड्स, ये आपका रीजन था. आप चाहो तो 10.1 थ्योरम है ये. अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा, 10.1 थ्योरम हमारे पिछले लेक्चर में देख लीजिए, वो पूरा कंप्लीट मैंने इस थ्योरम को प्रूफ किया है. ठीक है, उसको आप देख लीजिए. उसके थ्रू हम ये लिख रहे हैं 90 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद हमने हमें क्या करना है, पी ओ इज इक्वल टू ये कंप्लीट, ये तो हो गया. अब एक और चीज लीजिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है फ्रेंड्स, सेम सर्कल की रेडियस है इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो अब आप ध्यान से देखिए, मैंने ये साइड कॉमन होगी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. पर रीजन क्या होगा, ये 90 तो आर, ये हाइपोटेनस एच और ये एक साइड होगी, तो आर एच एस के थ्रू. क्लियर, तो ट्राइंगल नाम क्या दिया तुमने, पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ओ बी बाय द क्राइटेरिया ऑफ आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी. RHS congruency क्या होती है, इसके लिए आप हमारे पिछले लेक्चर पे चले जाइए ट्राइंगल में, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, RHS congruency से ये congruent हो गया, तो हम बता सकते हैं PA is equal to PB, PA is equal to PB. रीजन आप क्या देखेंगे, बाय CPCT, CPCT मतलब corresponding part of congruent triangle. इट मींस हमने प्रूव कर दिया PA is equal to PB, मतलब कि from an external point कोई दो टेंजेंट जब ड्रॉ की जाती है किसी एक कॉमन पॉइंट से, तो उनकी जो लेंथ होती है क्या होती है, इक्वल होती है पर्टिकुलर किसी एक सर्कल पर. क्लियर फ्रेंड्स, तो इसको और प्रैक्टिस कीजिए आप रिटर्न में, और कहीं कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स करके पूछिए. और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक किया, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए. ठीक है दोस्तों, थैंक यू.